इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपसे हर वर्ष या तो नोमेरिकल या तो ऑब्जेक्टिव या तो डायरेक्ट सब्जेक्टिव सवाल पूछे जा रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पहलू बन सकता है हमारा टॉपिक जिसका नाम है मोलरता। मोलरता को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मोलारिटी। और इसकी क्या परिभाषा आती है सामने कि मान लीजिए आप किसी विलयन का आयतन लिए हो 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, तो वो भी निश्चित ताप पर। तो आप ऐसे कह सकते हो कि निश्चित ताप एवं दाब पर, दाब को निश्चित रखना है और ताप को भी निश्चित रखना है। और विलयन का आयतन कितना लेना है? 1 लीटर। तो किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर नहीं तो फिर 1000 मिलीलीटर, और ये क्या रहेगा? आयतन। और इतना आयतन में 1 लीटर लो या 1000 मिलीलीटर लो, जैसे मान लो एक आप बर्तन ले लो उसमें 1 लीटर विलयन लो या 1000 मिलीलीटर विलयन लो, बात तो एक ही है। और उसमें जो विलेय के मोलों की संख्या रहेगा ना, यानी उसमें जो विलेय के मोलों की संख्या घुला हुआ है वही कहलाता है मोलरता। तो 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित या घुला हुआ, ठीक है ना, उपस्थित विलेय के जो मोलों की संख्या होती है, विलेय के जो मोलों की संख्या होती है उसी को हम लोग कहते हैं मोलरता, ठीक है, संख्या को मोलरता कहा जाता है। तो किसी भी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। अब इसको सूचित किससे करते हैं? तो इसको सूचित करते हैं कैपिटल एम से। तो इसको रिप्रेजेंट कैपिटल एम से किया जाता है। तो अगर आपसे कोई कहा कि मोलरता की परिभाषा लिखिए, तो परिभाषा तो मैंने लिख दिया, फॉर्मूला देखो, तो ऊपर क्या रहेगा? विलेय के मोलों की संख्या, यही उपस्थित है ना, किसमें उपस्थित है? तो विलयन के आयतन में। विलयन का क्या हो जाएगा? आयतन। आयतन कितना? तो आयतन अगर लीटर में है तो 1 लीटर, और यही आयतन अगर मिलीलीटर में लेते, देखो ये लीटर में लिया गया है तो 1 से गुना करेंगे, और यही अगर मिलीलीटर लेते तो 1000 से गुना करेंगे। बताओ मोलरता को किससे सूचित करते हैं? एम से। मोलों की संख्या को सूचित करते हैं एन से। और चूंकि विलेय है तो विलेय को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? सॉल्यूट। तो हो गया एन सॉल्यूट, यानी विलेय के मोलों की संख्या। आयतन को भी से, आयतन किसका है? तो सॉल्यूशन का, तो लिख दिया सॉल्यूशन। अगर गलती से मिलीलीटर में है तो भाई साहब आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा, और अगर आप लीटर में लेते हो तो आपको 1 से गुना करना पड़ेगा। तो मोलरता की परिभाषा निश्चित ताप और दाब पर किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ